हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक फ़ोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग पर। तो गाइज, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ और गाइज सब कुछ ईजी मेथड से बताने वाला हूँ। तो गाइज, आपको वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कर लेना है, तभी जाके वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि गाइज आगे मेरे चैनल पर आपको ऐसे न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वीडियो की प्रिपरेशन बताते हैं। तो गाइस चलिए। सो गाइज, इस तरीके का रील्स वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मुझे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से मुझे एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है गाइज, एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है, जिस फोटो को भी हमें वीडियो को क्रिएट करना है उस फोटो को हमें यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइज, मैं इस फोटो का वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। तो गाइज, उसके लिए मुझे यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है और 9.16 वाला रेशो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों इसको बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो के लास्ट में चले जाना है और इस ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद दोस्तों फोटो मुझे और बढ़ा देनी होगी। ठीक है गाइज, इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और एक म्यूजिक को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो गाइज, वो म्यूजिक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप इसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, मुझे यहाँ से वीडियो को चूज़ कर लेना है, ऑडियो को, सॉरी ऑडियो चूज़ कर लेने के बाद दोस्तों ये ऑडियो आप देख सकते हो मेरे सामने आ जाता है। तो गाइज, मुझे यहाँ पे इस ऑडियो पे बीट मार्क करनी है। तो गाइज, उसके लिए मुझे ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ऑडियो पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों बीट पे क्लिक कर देना है और तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पहले से 4 बीट लगाई हुई है। तो गाइज, मैं आपको बता दूंगा कि ये कितने कितने पे है, ये बीट मार्क आपको बता दूंगा मैं। तो गाइज, मुझे फर्स्ट बीट मार्क पे आ जाना है और इस बीट मार्क का ड्यूरेशन है 2.53। ठीक है गाइज, इस बीट मार्क का है 2.53। तो गाइज, मुझे दूसरी बीट मार्क पे आ जाना है और इस बीट मार्क है 3.25 पे, ये बीट मार्क 3.25 पे। तीसरे पे आ जाना है, तीसरी बीट मार्क पे आना है और यहाँ पे ये है 3.73 पे है। चौथी पे आ जाना है और ये है 4.12 पे। ठीक है गाइज, आपको इस प्रकार से 4 बीट मार्क कर लेनी होगी। तो गाइज, मुझे मैंने इनका ड्यूरेशन आपको बता ही दिया, आप इतने इतने सेकंड पे इनका बीट मार्क कर लीजिएगा। तो गाइज, मुझे यहाँ पे वीडियो को, इस फोटो को स्प्लिट कर देना है मेरे बीट के हिसाब से। तो गाइज, मुझे यहाँ पे फिर से आगे की ओर आके यहाँ पे स्प्लिट करके और मेरी बीट के बराबर रख देना है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से रख देना है। तीसरी बीट मार्क पे आ जाना है और यहाँ से स्प्लिट करना है और मेरी बीट के बराबर रख देना है, तीसरी बीट मार्क के बराबर, कुछ इस प्रकार से मुझे फिर से स्प्लिट करना है और चौथी बीट मार्क के बराबर रख देना है, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट में आ जाना है और एक स्प्लिट यहाँ पे करना है। तो गाइज, मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ कुछ इतना। ठीक है गाइज, इतना कर लेने के बाद दोस्तों इसको फिर से मुझे बीट के बराबर रख देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे ऑडियो के बराबर मेरी फ़ोटो को रख देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मुझे यह लाइट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकते हो। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे अगले वाले प्लस यहाँ पर आ जाना है जूम पे और यहाँ पर जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है, सॉरी मैं जूम इन वाला कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मुझे सेक वन कर देना है, सेक वन और राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अगले वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी सेक वन कर देना है, सेक वन। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जूम वन कर देना है। ठीक है, अगले वाले प्लस वाले आइकन पे चले जाना है और यहाँ पे भी जूम वन कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है यहाँ से और इस पे चले जाना है और जूम वन कर देना है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है, इस फोटो के बीच में आ जाना है, एफएक्स पे क्लिक कर देना है। एफएक्स पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आगे की ओर आ जाना है और जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है,
और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों इसके अगले वाले पे चले जाना है और एफएक्स पे क्लिक कर देना है, और इसमें भी वही प्रोसेसिंग करनी है जूम आउट वाली। तो गाइज मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे फिर से एफएक्स पे क्लिक कर देना है और अब की बार मुझे ये जिलेट वाला कर लेना है और राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अगले पे चले जाना है, यहाँ पे फिर से एफएक्स पे क्लिक कर देना है। एफएक्स पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आगे की ओर चले जाना है और ये जीटा डाउन वाला कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे जूम पे क्लिक कर देना है और जूम इन वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है इसमें, और इसमें जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइज मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज इस पे चले जाना है और यहाँ पे मुझे लाइट वाला ही करना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको वीडियो को प्ले करके दिखाना होगा वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बन रहा है हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो गाइज आपको वीडियो को सिंपली से एक्सपोर्टिंग कर लेना होगा।